तारीखी तालीमी इदारे जाम मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू के 50 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, एक जलसे का इनेकाद किया गया। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जाम मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद महदी साहब। डॉक्टर शाहिद महदी साहब, 50 साल होने पर जो है इस शोबे के जश्न मनाया गया, जलसा मनाया गया, लेकिन उर्दू की जो सूरत हाल है आज वो आप सभी जानते हैं। ख़ासतौर से नात में जो है उर्दू के तई जो है बेहिसी और क्या कहें बेगानगी पैदा हो रही है। लोग उर्दू बोलते हैं अपने घरों में लेकिन वो कहते हैं हम हिंदी बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी बेगानगी या जिस चीज़ का शिकवा आप कर रहे हैं वो खुद उनसे होना चाहिए जिनके मादरी जबान है। इसलिए कि जहाँ तक के सरकार का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, उर्दू कायम है। बल्कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, कौमी काउंसिल या इस तरह के, या जो उनके रसाले निकलते थे, आजकल अभी भी निकल रहा है, जो यहाँ की उर्दू एकेडमी का है दिल्ली की, वो भी कर रहा है। हर स्टेट में उर्दू एकेडमी है। अभी और बात है कि उर्दू एकेडमी ज़्यादातर स्टेट्स में कोई ख़ास काम उनका नहीं है। जो काम है वो दिल्ली की उर्दू एकेडमी का है या यूपी वाले का कुछ था, कुछ बंगाल का है, मगर है हर जगह। तो अब सवाल ये है कि जो उर्दू रोना रोते हैं उन्हें सबसे पहले तो ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या इसमें कमी बाहर से है या हम में है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। वही मैं दाखिली एहतसाब की बात कर रहा हूँ, दाखिली एहतसाब की बात कर रहा हूँ। तो ये हिसाब होना चाहिए। उर्दू ज़िंदा है, ज़िंदा रहना चाहिए, फलना फूलना चाहिए। बहुत बड़ा सरमाया है हिंदुस्तान के लिए, फ़ख्र की बात है ये। तो मगर यही है कि आप जब तक के उर्दू जो है वो रस्म-ul-खत से वाकफियत, अब ये कि साहब उर्दू किताबें हम इसमें देवनागरी पढ़े हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। सवाल ये है कि उर्दू किताब उर्दू पढ़िए ना। ये जो है अब वो कोई जामे उर्दू था पता नहीं है कि नहीं है, है लेकिन उससे कोई ख़ास बात बनती नहीं है। उर्दू जस्ट फॉर उर्दू दैट्स नॉट एनफ। शाह साहब, आप फारसी के भी आलिम हैं, अलावा उर्दू के भी हैं, फॉरेन सर्विस में रहे हैं, आपका एक तवील तजुर्बा है मुख्तलिफ मैदानों में, जामे मिलिया के भी वाइस चांसलर रहे हैं आप। अब यहाँ जो आपके ज़माने में उर्दू के लिए जो काम हुआ, ख़ासतौर से जो वो ये रहा है कि जड़ों को पानी नहीं दिया जा रहा है उर्दू के फ़र्क से। मैं यूपी में अक्सर आजकल जितने भी हमारे उर्दू घराने के जो बच्चे हैं उनसे पूछता हूँ आपकी मादरी ज़बान क्या है, तो पहले तो उनको मादरी ज़बान समझ में नहीं आता है, वो
फिर उनको समझाने में मदर टंग क्या है तो वो हिंदी कहते हैं, तो ये जो कैफियत पैदा हो गई है, यानी ऊपर तो आप जैसा आपने तस्करा किया एकेडमिया कायम है, काउंसिल कायम है, फला तो नीचे के सतह पर जो जाने के लिए मर्दुमशुमारी में अब आएगी तो वहाँ पर होता ये है कि नाम ऐसा है कि जो जागते हुए हैं उनको कैसे जगाया जाए। आपके ख़ानदान की आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, आप पढ़ा नहीं रहे हैं और सिर्फ शिकवा कर रहे हैं कि साहब हिंदी है फलना है जगह है। देखिए पहले भी तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ती थी तभी कुछ बन पाते थे, लेकिन उसके बावजूद उर्दू लोग पढ़ते थे। तो ये जो है सबसे अच्छा। दूसरी ये कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे राय में शिकायत हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इतना बड़ा अदारा हमारा है, काउंसिल पूरी ग्रांट मिलती है उसकी है, हर स्टेट में उर्दू अकेडमी है, वहाँ पर उनकी बोलता है। तो अब ये है कि तहरीक इसकी होनी चाहिए कि उर्दू लिटरेसी बढ़े। हिंदी आप पढ़िए, बंगाली पढ़िए, जो पढ़ना आपको है, लेकिन उर्दू लिटरेसी बढ़िए। अगर वो नहीं बढ़ती है, और इसका जो है वो मेरा ख्याल है लेखा जोखा होना चाहिए कि पिछले 10 साल में अंदाजन जो नस्ल आ रही है उसमें उर्दू से नावाकिफ़ कितने हैं, वाकिफ़ कितने हैं, ट्रेंड क्या है, क्यों है। तो काउंसिल या और जो लोग हैं उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है ये तो अपनी बात की बात आती है, सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो उर्दू के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की है कि उर्दू रस्म रखा से उनको आशना करें। ये है। अब मैं जाता हूँ मुहर्रम की मजलिसों में, वहाँ मर्सिया लिखे हुए हैं देवनागरी में भाई, तो बताएं क्या करें। उसी बेहसी के तोड़ने के हवाले से मैं कह रहा था, उसको तहरीक की शक्ल देना चाह रहे, तो ये तहरीक किस तरह से उसको तहरीक की शक्ल दे सकते हैं, कोई आइडिया है, कोई खाका है जहन में आपके? नहीं, ज़मीर को जगाने की क्या तरकीब हो सकती है? एक गलत तस्वीर ये भी बैठा हुआ है। हाँ। इसका सवाल है, आपका उर्दू चैनल है, है ना, टीवी में है, उसके बाद ये काउंसिल है, इसको पूरी ग्रांट मिलती है, उसके बाद ये लोग जा जा के जगह जगह मेला लगाते हैं और किताबें पेश करते हैं, अकेडमीज हर जगह हैं। अब हमने सुना है कि आंध्रा जो घर है उर्दू का, वहाँ जो अकेडमी है वो शादी खाने के तौर पर यूज हुई, हमने सुना है, गलत हो सकता है। तो कौन सी जगह है जहाँ उर्दू अकेडमी नहीं? अब सवाल ये सब कुछ तो है, अब आप खुद ना करें तो अब क्या करें। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम हमारी ज़बान उर्दू रही है तो हम अपने बच्चों को कुछ बंदोबस्त करें उसका, जैसा यहूदियों ने किया। यहूदी मैं मिलता हूँ यहूदियों को, तो आप इतना सीख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया है, किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को महफूज रखा है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब अपनी जगह पर कायम रखा उन्होंने, और किस तरह से फिर और लोगों को कंट्रीब्यूट किया है। किसी बड़े आदमी का नाम आप लीजिए वो यहूदी है, लेकिन अपने मज़हब, अपने कल्चर, अपनी ज़बान, इसको भी उन्होंने महफूज रखा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे हैं, यहाँ के उर्दू शोबे ने उर्दू अदब के हवाले से क्या खिदमत अंजाम दिए, उसको आप नटशेल में बताएं। मेरे ख्याल यहाँ पे कुछ कोर्स ऐसा है सिंपल उर्दू का भी है, जिसमें आपको बेसिकली उर्दू लिटरेसी पढ़ाई जाती है। तो अब मैं याद तो नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन कम से कम यहाँ है, सिर्फ हाई ब्राउ और आदाब और ये सब की बात नहीं है, बल्कि एक सेगमेंट ऐसा है जो उर्दू के रस्म الخط और सिंपल उर्दू पे तवज्जो देता है, तो वो रहा है। बट आई डोंट थिंक आई कैन रिकॉल एनी बिग कंट्रीब्यूशन आई मेड फॉर उर्दू इन दैट सेंस। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। ये थे
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر شاہد مہدی صاحب جن کا کہنا ہے کہ اردو کے تئی بے حسی دور کرنا ہے تو ہمیں اپنی خود احتسابی کرنا ہوگی اور یہودیوں سے سبق لینا ہوگا, یہودی کی مثال سے سبق لینا ہوگا جنہوں نے اپنی تہذیب اور زبان کو بچانے کی ہر طرح کی کوشش کی, حالانکہ وہ دنیا بھر میں انہیں پھیل گئے تھے, مختلف ممالک میں رہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان کا بھی تحفظ کیا اور اپنی تہذیب کا تحفظ, اور یہی چیز جو ہے مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ آج حالات اتنے خراب نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ بات شاہد مہدی صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 50 سالہ اردو شعبے کے 50 سالہ شعبے کے قیام کے موقع پر منعقدہ جلسے کے مناسبت سے کہہ رہے تھے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود, نئی دہلی.